हर महीने लगभग 2 अरब स्त्रियों को मासिक धर्म होता है, फिर भी हम इसके बारे में बात नहीं करते क्योंकि हम इतने शर्मिंदा और लज्जित हैं। मासिक धर्म और मासिक धर्म स्वच्छता के विषय में न जानने के ये नतीजे हो सकते हैं। चिंता और भय, कम आत्मसम्मान, शरीर से गंध आना, प्रजनन स्वास्थ्य संक्रमण, मूत्र मार्ग में संक्रमण, स्कूल और काम से दूर होना, इस वीडियो में आप इनके बारे में सीखेंगे। हमारा शरीर, बड़े होना, किशोरों और किशोरियों में शारीरिक और भावनात्मक बदलाव, मासिक धर्म क्या है, ये क्यों होता है, मासिक धर्म के दौरान आप अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं, मंदिर में प्रवेश मत करो, रसोई घर में प्रवेश मत करो, स्कूल मत जाओ, अचार मत छुओ, खाना मत पकाओ, अपने बालों को मत धो, विवाह में मत जाओ, बाहर मत खेलो, लड़कों से बात मत करो, फूल मत तोड़ो, ये सब मिथक और वर्जनाएं हैं जो समाज द्वारा पारित की जाती हैं। किशोरियों और स्त्रियों के लिए मासिक धर्म एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है।
हमारा शरीर सांस लेता है, उसे भूख और प्यास लगती है। हमारे शरीर को आराम और नींद की भी आवश्यकता होती है। ये सब स्वाभाविक रूप से होता है और मासिक धर्म भी। पहले हम अपने शरीर के बारे में जानें और ये समझें कि किशोरियों और स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों होता है। अगर हमें अपने शरीर के बारे में अच्छी जानकारी होगी तो हम अपनी देखभाल बेहतर तरीके से कर पाएंगे। किशोर और किशोरियों के शरीर के अंग एक समान होते हैं, सिर, बाहें, टांगे, पेट। केवल प्रजनन अंग भिन्न होते हैं। लिंग, योनिमार्ग। आइए पहले स्त्री के प्रजनन अंगों को देखें। अंडाशय, अंडवाहिनी नली, गर्भाशय, योनिमार्ग। गर्भाशय ग्रीवा, आइए अब पुरुष के प्रजनन अंगों को देखें। वृषण, वृषण कोश, मूत्रमार्ग, लिंग, मूत्राशय, जैसे जैसे किशोर और किशोरी बड़े होते हैं उनके शरीर का विकास होता है और उनका शरीर व्यसक शरीर में बदल जाता है जो यौन प्रजनन में समर्थ होता है। ये बदलाव दोनों शारीरिक और भावनात्मक होते हैं और 9 से 19 वर्ष की आयु में होते हैं। इस अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। आइए अब उन भावनाओं को देखें जो किशोर और किशोरियां बड़े होते हुए महसूस करते हैं। जिज्ञासा, शर्म, विद्रोहशीलता, चिड़चिड़ापन, बेचैनी, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण, साथियों का दबाव पड़ना, आइए देखें कि किशोर में बड़े होते हुए क्या शारीरिक बदलाव आते हैं। लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, मुहासे आना, दाढ़ी, मूछ व शरीर पर बाल आना, आवाज में बदलाव आना, कंठ निकलना, लिंग का विकास होना, वीर्य दर्शन, शुक्राणु। पुरुष प्रजनन कोशिका का उत्पादन वृषण में होता है।
जब शरीर में बहुत सारे वीर्य का उत्पादन होता है तो उसमें से कुछ लिंग में से बाहर निकल आता है। इस प्रक्रिया को वीर्य स्खलन कहते हैं। देखिए कैसे वीर्य वृषण में बनकर लिंग से बाहर निकलता है। एक किशोर अपने प्रथम वीर्य स्खलन या वीर्य दर्शन का अनुभव 11 और 15 साल के बीच करता है। इसे आमतौर पर स्वप्न दोष कहते हैं। स्वप्न दोष एक सामान्य प्रक्रिया होती है और इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं होती। आइए देखें कि किशोरियों में बड़े होते हुए क्या शारीरिक बदलाव आते हैं। लंबाई बढ़ना, वजन बढ़ना, मुहासे आना, बगलों जननांगों पर बाल आना, स्तनों का विकास होना, मासिक धर्म की शुरुआत। मासिक धर्म क्या होता है? 9 से 19 वर्ष की आयु के बीच किशोरियों को पहला मासिक धर्म होता है। इस प्रक्रिया को रजो दर्शन कहते हैं। आइए देखें कि मासिक धर्म के दौरान हमारे शरीर में क्या होता है। किशोरियों को पहला मासिक धर्म तब होता है जब अंडाशय में अंडा परिपक्व होता है। क्या आप अंडाशय में अंडे को देख सकते हैं? अब देखिए अंडा कहां जाता है? आप देखेंगे कि गर्भाशय की परत धीरे धीरे मोटी हो रही है। जब अंडा अंडवाहिनी नली में से गुजरता है तब गर्भाशय की परत मोटी होती जाती है। अगर अंडा शुक्राणु से मिलता है तो वे जुड़ जाते हैं और शिशु की रचना में ये पहला कदम होता है। इसे अंडे का निषेचन कहते हैं। देखिए शुक्राणु कैसे योनि मार्ग से गुजरकर गर्भाशय में आता है और अंडे का निषेचन करता है। फिर अंडा खुद को गर्भाशय की दीवार से जोड़ लेता है। गर्भाशय की परत गर्भस्थ शिशु के लिए एक घर प्रदान करती है। देखिए निषेचित अंडा कैसे खुद को गर्भाशय की दीवार से जोड़ता है। यहां पर अंडा शिशु बनने के लिए बड़ा होगा। अगर अंडा और शुक्राणु नहीं मिलते तो गर्भाशय की परत टूट जाती है और योनि मार्ग से रक्त या रक्त के थक्के के रूप में निकलती है। इसे माहवारी कहते हैं।
देखिए कैसे गर्भाशय की परत टूटती है और योनि मार्ग से खून या रक्त के रूप में निकलती है। खून का बहाव 2 से 7 दिन तक हो सकता है। यह हर महीने 21 से 35 दिन के अंतराल पर होता है। इस मासिक चक्र को मासिक धर्म चक्र या माहवारी कहते हैं। इसीलिए मासिक धर्म डरने, शर्मिंदा या लज्जित होने का कारण नहीं होना चाहिए। ये कोई बीमारी, संक्रमण, गंदगी, अशुद्ध या शर्मनाक चीज नहीं है। ये एक साधारण प्रक्रिया है जिसके बिना नया जीवन संभव नहीं है। अब जबकि हम मासिक धर्म का कारण समझ गए हैं, आइए देखते हैं कि मासिक धर्म के दौरान हम अपनी देखभाल कैसे कर सकते हैं। मासिक धर्म के दौरान हम खून को सोखने के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? खून सोखने के लिए आपके पास बहुत सारे विकल्प मौजूद हैं। इन्हें सफाई के पश्चात दोबारा इस्तेमाल या उनका निपटान किया जा सकता है। निपटान योग्य विकल्प हैं सैनिटरी पैड, टैम्पॉन। पुनः प्रयोज्य विकल्प हैं कपड़ा, कपड़े का पैड, मेंस्ट्रुअल कप। हम सैनिटरी सामग्री का इस्तेमाल और देखरेख कैसे कर सकते हैं? कपड़ा। माहवारी के खून को सोखने के लिए हमेशा साफ कपड़े का इस्तेमाल करें। सुनिश्चित कर लीजिए कि इस्तेमाल करने से पहले आपने हुक या अन्य धातु निकाल लिए हैं। कृत्रिम कपड़ा ना उपयोग करें क्योंकि यह शोषक नहीं होता। सूती कपड़ा इस्तेमाल करें। कपड़े को इस्तेमाल करने के बाद उसे अच्छी तरह ठंडे पानी और साबुन से धोकर धूप में सुखा लें जिससे कीटाणु नष्ट हो जाएं। सूखने के पश्चात उस कपड़े को साफ डिब्बे या थैले में रखें ताकि उसमें धूल, कीड़े या नमी ना जा सके। सैनिटरी पैड। सैनिटरी पैड को अपनी पैंटी या अंडरवेयर में इस तरह से रखें कि प्लास्टिक की परत नीचे की तरफ हो और शोषक परत ऊपर की ओर। सैनिटरी पैड को कम से कम 4 से 6 घंटे में बदलें। यदि बहाव भारी है तो और भी जल्दी, जिससे शरीर से दुर्गंध ना आए और संक्रमण का खतरा भी ना रहे। टैम्पॉन या मेंस्ट्रुअल कप को योनि मार्ग के अंदर बैठाना होता है। मेंस्ट्रुअल कप दिन में करीब 8 घंटे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। पुनः इस्तेमाल के लिए उसे अच्छी तरह से पानी से धोएं व सुखाएं। मासिक धर्म के पूरे होने पर मेंस्ट्रुअल कप को पानी में 20 मिनट उबालें और सूखा कर उसे थैली में रखें ताकि उसमें गंदगी ना जा सके। उपयोग की हुई सैनिटरी सामग्री का सुरक्षित निपटान कैसे करें? सैनिटरी पैड और टैम्पॉन को दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। प्रयोग किए हुए पैड को हमेशा पुराने अखबार में लपेटकर ढके हुए कूड़ेदान में फेंकें।
उसे खाद के गड्ढे में भी डाल सकते हैं, दफना सकते हैं या फिर जला सकते हैं। उसे शौचालय में ना डालें, क्योंकि इससे नाली बंद हो सकती है। उसे बाहर खुले में या जल स्रोत के अंदर ना डालें, क्योंकि इससे वातावरण दूषित होगा। अधिकतर सैनिटरी पैड प्लास्टिक के बने होते हैं। मिट्टी में सम्मिलित होने में इन्हें कई सौ साल लगते हैं और ये वातावरण के लिए हानिकारक भी है। पुनः प्रयोज्य किए जाने वाले कपड़े के पैड, मेंस्ट्रुअल कप और कंपोस्ट में घुलने वाले पैड का इस्तेमाल करने से अपशिष्ट सामग्री और प्रदूषण को कम किया जा सकता है। मासिक धर्म के दौरान हम अपनी देखभाल और साफ सफाई कैसे करें? ये जरूरी है कि हम मासिक धर्म के दौरान साफ सफाई रखें, हमारा शरीर गंध रहित हो, हम आत्मविश्वास महसूस करें और संक्रमण से बचे रहें। ये करने के लिए कुछ तरीके हैं। सैनिटरी पैड, कपड़ा या कप बदलने के बाद हमेशा अपने हाथ साबुन और पानी से अच्छे प्रकार से धो लें। नीचे पहनने के कपड़े या कच्छी साफ पहनें और उसे अक्सर बदलें, खासकर जब उसमें दाग लग जाएं। दिन में कम से कम एक बार स्नान अवश्य करें और अपने गुप्तांग को प्रतिदिन पानी से धोएं। संक्रमण से बचाव के लिए शौच करने के बाद आगे से पीछे की ओर धोना चाहिए, यानी योनि मार्ग से दूर की ओर धोना चाहिए। आपके गुप्तांग की त्वचा बहुत कोमल होती है, इस पर वैक्सिंग, उस्तरा, ब्लीच या अन्य रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर आप साफ कैंची से जगवास्ती के बालों को काट सकते हैं। हम मासिक धर्म में होने वाले दर्द और ऐंठन से कैसे राहत पा सकते हैं? हम में से कई को मासिक धर्म में दर्द महसूस होता है। इस दर्द से राहत पाने के लिए हम इनमें से कुछ तरीके अपना सकते हैं। दर्द से राहत के लिए गर्म पानी की बोतल पेट या पीठ पर लगाएं। कोई गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय पिएं, सैर करने जाएं, कसरत करें, अपने हाथ और घुटनों पर टेक लगाएं, जिससे आपका गर्भाशय नीचे लटकता है और आपको आराम मिलता है। अगर आपका खून का बहाव 7 दिन से अधिक चलता है और आपको असहनीय दर्द हो, तो आप चिकित्सक से सलाह लें। मासिक धर्म के दौरान कैसा भोजन खाना चाहिए? मासिक धर्म में स्वस्थ पौष्टिक भोजन खाना जरूरी होता है। नियमित भोजन जैसे कि सब्जियां, रोटी, दालें, खूब सारा रेशा खाएं और खूब सारा पानी पिएं, जिससे कब्ज और ऐंठन से राहत मिले। भोजन में नमक की मात्रा कम करें। नमक से शरीर में पानी का अवरोधन होता है और शरीर फूला हुआ सा लगता है। अब हम जान गए हैं कि मासिक धर्म एक साधारण जैविक प्रक्रिया है और उसमें कुछ भी अशुद्ध, प्रदूषित या गंदा नहीं है। आइए हम सब मिलकर शपथ लें
कि हम अन्य लोगों को भी इसके विषय में बताएंगे। अब मैं मासिक धर्म पर चुप्पी नहीं बरतूंगी। अब मुझे शर्म नहीं। बल्कि गर्व है। मैं इस मासिक धर्म पर घर में और बाहर भी बात करूंगी।